हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आपने वीडियो टाइटल थंबनेल में देखा ही होगा, आज जो है दोस्तों हम बहुत सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का जो है अनबॉक्सिंग करने वाले, जो कि दोस्तों मैंने इसको परचेज़ किया था। तो दोस्तों काफ़ी अंदर जो है यूज़फुल कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको सारे कुछ पार्ट डिटेल्स में बताते जाऊंगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो आए दोस्तों अब हम इसको ओपन करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम इसका ऊपर वाला जो पैकिंग है उसको हटा लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है वीडियो की स्पीड बढ़ा रखी है, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से इसका पैकिंग था। और इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी हमने इसको ओपन कर लिया है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर बबल वाला जो प्लास्टिक है उसको यूज़ किया गया है पैकिंग के लिए। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर इसका पैकिंग किया गया है। तो दोस्तों अभी हम इसको हटा लेते हैं। तो देख सकते हैं अभी जो है यहाँ पर काफ़ी सारे हमको कंपोनेंट्स दिखना स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले अभी जो है दोस्तों हम इस वाले पैकेट को देखेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो है रजिस्टर किट है। तो दोस्तों इसमें जो इस प्रकार से 150 यहाँ पर क्वार्टर वाट में इतने सारे वैल्यू के यहाँ पर रजिस्टर हमको मिल जाते हैं, जो कि दोस्तों हमको जो है काफ़ी यूज़ में आ जाते हैं ये रजिस्टर ये। तो दोस्तों इसको जो अभी हम साइड में रख लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ये XL6009 DC-DC एडजस्टेबल स्टेप अप बूस्ट पावर कन्वर्टर मॉड्यूल है, जो कि दोस्तों ये वोल्टेज को बूस्ट करता है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये मॉड्यूल है। तो दोस्तों आगे मैं डिटेल्स में जो है इसके बारे में वीडियो बना दूँगा, आप कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको कौन से पार्ट पर डिटेल्स में वीडियो चाहिए। तो दोस्तों अभी हम देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पर ये 3 चैनल का LED चेजर है, जो कि दोस्तों ये एडजस्टेबल है, जिसका स्पीड हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जो है 2 IC लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं इतना छोटा सा ये मॉड्यूल है। तो दोस्तों इस पर भी मैं डिटेल्स में वीडियो बना दूँगा। और इसके बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से ये जो है ये स्टोन रोटरी ग्राइंडिंग व्हील्स है, जो कि दोस्तों 6 पीस हैं। इसमें जो दोस्तों हम जो है बहुत सारे पार्ट्स को हम यहाँ पर इसको यूज़ में लाने वाले आके। तो दोस्तों इसके पर भी मैं जो डिटेल्स में आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कि इसका यूज़ जो है हम किस तरीके से कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है 4-way स्पीकर टर्मिनल कनेक्टर ब्लॉक है, जिससे देखिए दोस्तों हम यहाँ पर स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारे भाइयों को पता ही होगा। और इसके बाद हम यहाँ पर देख पा रहे ये 2-पिन टाइप में स्क्रू टाइप में PCB टर्मिनल ब्लॉक है, जिससे दोस्तों ये PCB में हम इसको फिट कर इसमें जो है हम वायर कनेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये टर्मिनल ब्लॉक होते हैं, जैसा कि अभी हमने इसको 2 पिन में देखा था। तो दोस्तों ये सेम इसी तरीके से 3 पिन में यहाँ पर भी है, तो इसको भी हम काफ़ी यूज़ में ला सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों ये LDR है, जो कि काफ़ी जगह पर इसको हम यूज़ में लाते हैं। अगर आपको LDR पता नहीं होगा तो दोस्तों इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। इसके बाद देखिए ये 1 mm का ड्रिल बिट है, जो कि PCB में हमको ड्रिल करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। साथ ही साथ जो हम PVC में इसको हम ब्लूटूथ स्पीकर या कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसमें कटिंग के लिए हमें इस बिट की ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद देखिए ये 0 PCB है, जो कि 2x3 इंच का है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से यहाँ पर प्रिंट भी इसका दिया गया है। तो ये इस पर जो है हम जो है मैनुअल सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं सेम। तो देखिए दोस्तों इसी तरीके से इसमें बड़ा साइज़ का है, ये भी 0 PCB है, लेकिन इसका साइज़ जो है दोस्तों ये 6x4 इंच का है, काफ़ी बड़ा है, जिससे कि हम बड़ा सर्किट यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से एक TL431A जो है ये एक प्रोग्रामेबल शंट वोल्टेज रेगुलेटर IC है, जिससे कि हम यहाँ पर जो है वोल्टेज रेगुलेटर करके हम जो है इसको चार्जिंग सर्किट में इसको यूज़ में लाते हैं। और इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 5W में सुपर ब्राइट वाइट SMD LED जो है, जो कि इसका ब्राइटनेस काफ़ी हाई मिल जाता है। तो इसके पर जो है मैं डिटेल्स में आगे एक वीडियो बना दूँगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इसका ब्राइटनेस जो है काफ़ी हमको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से 12 वोल्ट में हमने येलो
कॉइन एलईडी मॉड्यूल हमने ले लिया है। देखिए दोस्तों कुछ इसी प्रकार से सेम यहाँ पर ये ग्रीन कलर में है, और इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से ये रेड कलर में है। तो यहाँ पर जो है इनको हम आगे वीडियो में काफ़ी जगह हम, तो दोस्तों इतने सारे जो है कंपोनेंट्स यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया है जो कि काफ़ी कम है लेकिन दोस्तों काफ़ी यूज़फुल है, और इनमें जो है डिटेल्स में आगे जो है चैनल पर वीडियो आने वाले है। तो दोस्तों आपको जो है इसमें से सबसे पहले किस टॉपिक पर आपको वीडियो देखना है आप कमेंट कर ज़रूर बताना, मैं जो आपको इसके बारे में डिटेल्स में सारा कुछ जो है अच्छा प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।